मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? क्यों, किसी दोस्त को बुलाने के लिए किसी खास वजह की जरूरत होती? यानी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी की हकीकत होती है, वरना मैं गुमनाम पहचान के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारती थी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या कहूँ, वडेरन कहूँ, सहाफी कहूँ या नताशा कहूँ? जो इज्जत मैंने सहाफी बन के पाई है वो मैं वडेरन बनकर कभी नहीं ले सकती। मैं सहाफी थी, सहाफी हूँ और जिंदगी भर सहाफी रहूँगी। अच्छा खैर, तुम बताओ तुमने यहाँ आने की जिद क्यों की? बस कुछ वक्त इस और सुकून जगह पे तुम्हारे साथ गुजारने को दिल चाहा, इस इत्मीनान के साथ कि शायद अब तुम्हारा मेरा साथ हो सके। शायद क्या मतलब? मेरा और तुम्हारा साथ है। हेलो, हाँ ससेलिया। अच्छा मैं और शहाब शाम में तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। क्या बात है, सब ठीक तो है? ससेलिया का फ़ोन था, बहुत अपसेट लग रही थी। मेरा ख्याल है कि हमें शाम में उसके घर जाना चाहिए। ठीक है। तुझे ख्याल तो आया, मैंने मन्नत मांगी थी बाजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, तू मेरे साथ चलना। चला तो मैं चलूं, पर ये तो बताओ कि मन्नत क्या मांगी थी? यही कि खुदा तुझे खैर से लेकर आए और साजिशों से बचाए। चलो तुम्हारी दुआ कबूल हुई। अब एक बात तो बताओ, क्या तू अब भी छोटे साई का मुकाबला करेगा? ये मैं कभी नहीं चाहता, लेकिन जैसा साई कहेंगे मुझे वही करना। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुझे अपने मुकाबले में खड़ा होने दे। सुलेखा, अरे सुलेखा, क्या बात है? अरे कुछ तो शर्म कर, शादी होने वाली है तेरी, कुछ दिन के लिए मेरा दादा का पीछे छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं? इतने अरसे के बाद तू आया है, इतनी आसानी से अब मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अभी बुलाती हूं मैं तेरे और अपने बाबा को। हाँ हाँ, जा जा बुला ले, चल जाओ यहाँ से, दफा। सुलेखा, सुलेखा क्या कर रही हो? वो बाबा को बुला लेगी। नहीं बुलाती, मैं जानती हूँ उसे। और तुम क्या मर्द होकर डर रहे हो? थोड़ी सी बहादुरी मुझसे सीख लो। सिखा दो। तुम भी ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरी भाई से आखिरी बात होगी। अक्सर मुझे कहा करता था कि देखना किसी ना किसी दिन कोई मुझे गोली मार देगा। उसका खून रायगा नहीं किया, मरकर भी वो इस माशरे को एक नई सोच दे गया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपकी तवज्जो ने उसे इंसान बनने में बहुत मदद की। वो जिस अंदाज में आपका जिक्र करता था मुझे रश्क होता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को कहाँ प्लेस करूं, लेकिन ये बात तय है कि मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस।
तुम्हें अब गांव में चल के रहना होगा। नहीं, मैं यही शहर में रह लूंगी। क्यों? आप तो ज्यादातर शहर में रहते हैं, ये अच्छा नहीं है कि मैं यही आपके साथ रहूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि जितनी तकलीफ तुमने झेली है, जितनी मुसीबतें तुमने उठाई, मैं उन सबका मतावा कर सकूं। आप मुझे मिल गए, मेरे लिए तो यही मतावा काफी है। और फिर मैं ये नहीं चाहती कि गांव में जिसका हक है मैं उसे उसके हक से महरूम कर दूं। क्या हुआ निताशा, थकी थकी सी लग रही हो? जी वो गांव से आदिल का फोन आया था, उसे पुलिस बहुत तंग कर रही है। बस उसी सिलसिले में पुलिस हेड ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी और कंसर्न ऑफिसर्स के चक्कर लगा रही थी। मैंने भी अपने लॉयर से इसी सिलसिले में बात की है, शायद मुझे कल गांव जाना पड़ जाए। अम्मा भी जा रही हैं सर? नहीं बेटा, मेरा भी यही रहना बेहतर है। लेकिन मैं अपने गांव जरूर जाऊंगी, है ना बाबा? ठीक है ठीक है। तो तुमको गांव जाना है? अच्छे बनाए चावल। सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहिए जनाब। मेरा ख्याल है कि अब शहाबी शादी कर लेनी चाहिए, और उसके लिए नताशा बहुत मौजूद लड़की है। ये तो निगत बेगम तुम्हारा ख्याल है ना, नताशा से भी तो पूछो। अबू, वो दोनों एक दूसरे से जिस तरह मिलते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, मेरा ख्याल है कि नताशा की भी यही ख्वाहिश होगी। तुम्हारा ख्याल तो दुरुस्त है, लेकिन ये बताओ कि जाया किनके पास जाए, उनके पास के जिन्होंने पैदा किया है, या उनके पास के जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है? हक तो ये है कि जिन्होंने परवरिश की है हमें वहां जाना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, चलिए शहाब से पूछ लेंगे। ठीक है, मगर ये आपके साहबजादे हैं कहाँ, उनकी बायोग्राफी मुकम्मल नहीं हुई क्या? कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन एंड लिखना भी बाकी है। हाशिम, तुम हमेशा जान देने की बात करते थे, मैं हमेशा तुम्हें जिंदा रहने की नसीहत करती थी। क्यों? इसलिए कि मैं चाहती थी कि तुम जिंदा रहो, अपने घर वालों के लिए, अपने फादर के लिए, सब के लिए। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती थी शायद अपने लिए। तुमने मुझे बहुत बार बोला आई लव यू, मगर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। आज मैं तुमसे बोलती हूँ कि आई लव यू टू, आई लव यू हाशिम। साईं इब्राहिम, अब चूंकि वडेरा साईं तो इस दुनिया में है नहीं, हम सब ने जो भी गुफ्तगू करनी होगी आप ही से करनी होगी। ठीक है, मैं हाजिर हूं, आप हुक्म कीजिए। पुत्र इब्राहिम, बात यह है कि आपके हलके से 3 उम्मीदवार हैं निश्चित के, और खुद आपके गांव में से आप समेत 2 उम्मीदवार हैं। जानता हूं। अगर आप जानते हैं साईं,
तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि इस तरह हमारे वोट तकसीम हो जाएंगे और मुखालफ उम्मीदवार इससे फायदा भी उठा सकता है। अगर गांव से सिर्फ एक ही उम्मीदवार हो तो आप लोगों को फायदा होगा बाबा। साईं इब्राहिम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इलाके से एक उम्मीदवार के कागजात वापस ले लें? ठीक है, इस बारे में सोचा जा सकता है। बेहतर तो यही है साईं कि वो छोकरे ना आदिल, उससे कहें कि अपने कागजात वापस ले लें। ठीक है, बात करके देखता हूं उससे भी मैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा। सही हमें आप लोग टिश्यू रखें, ये मेरी बच्ची है, ये आपकी भी बच्ची है। अगर आप लोगों के सामने नहीं आएगी तो आप इसे दुआएं कैसे देंगे? जीते रहे बेटे, जीती रहे, जीती रहो। हाँ हाँ सही, अल्लाह इसे खुश रखे। कहो बेटा क्या बात है? बाबा आपको याद दिलाना था कि हमने कहीं जाना है। ओह हाँ, बस अभी चलते हैं। ओके बाबा, आई एम वेटिंग आउटसाइड। ऑलराइट। साईं इब्राहिम, आपकी बच्ची तो माशाल्लाह से अंग्रेजी भी बोलती है। हाँ वो असल में शहर में पड़ी है ना। अच्छा मैं आदिल से बात करके फिर आपको बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। बस सप्ताह है तो मुसागत भी हूँ। माशाल्लाह। आप मेरे साथ चलेंगे? आइए। अच्छा बोलो। खुशखबरी है लाहौर वालों के लिए, खुशखबरी है कराची वालों।